संगत जी, SHSG केयर सेंटर मदर हेड़ी जि डिस्ट्रिक्ट मोहाली के खड़े हैं और तुहाडे तो बेनती है यही कर रहे हैं कि प्लीज़ वीडियोज़ नूं शेयर करके लोगों की जिंदगियां बचाण दे विच जरूर सहयोग करो, ना सिर्फ बचाण दे विच सगों बदलण दे विच, है ना। तुहाडे हरेक शेयर की वैल्यू है अपने आप दे विच, है ना। बहुत सारी भैणा, बहुत सारे बहने, मैं ये जो वीडियो है ना थोड़ा हिंदी और पंजाबी में बनेगा, क्यों? क्योंकि फिलौरी जान कश्मीर से आए थे। मैं ज़रूर चाहूँगा कश्मीर की बहुत सारी बहनें ये वीडियोस देख रही होंगी तो इनके विचार ज़रूर सुने। 28 साल से व्हीलचेयर बाउंड हैं और स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड है। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। जो देसी भाषा दे विच कहिए तो हेठा वाला पासा थले वाला पासा सुन्न हो जाता, शरीर के सेंसेशन नहीं रहती, है ना। इस तरह की इंजरी नू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बोलते हैं। सहिमा बहन जी, मुझे एक बात बताना, जब आप कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए? एक महीना हो गया। और किस लिए आए थे? जख्म ठीक करने के। इनके पीछे बेड सोर था, बहुत भयानक बेड सोर हो जाते पेशेंट्स दे, और 87% पेशेंट पहले 2 साल के सिर्फ बेड सोर के कारण मर जाते हैं, ना। हुण बैड सोर दे विच ऑल ओवर इंडिया जे सेवा परमात्मा ने बख्शी है, आपां नूं बख्शी हुई है, लेकिन ये मैसेज कौन पहुँचाएगा अगे? तुसी, है ना। सो भैन जी, जब आप कश्मीर से चले थे, है ना, आपके मन जहन में बहुत सारे विचार होंगे, एक फीमेल होने के नाते बहुत सारी कैसे रहेंगे, कहाँ कैसे लोग होंगे, फर्स्ट टाइम पंजाब आ रहे थे, है ना। आपको बहुत सारी कश्मीर की बहनें देख रही हैं, उन्होंने भी आना है, वो दिलदार अहमद जी को कॉन्टैक्ट करते रहते हैं, क्या माहौल था, कितनी परेशानियाँ हुई, बताना चाहोगे जी? अगर उसको अपनी ज़िंदगी बचानी है तो यहाँ आओ, सेवा का मौका खुद भी दो तो अपनी ज़िंदगी भी बचाओ और सीखो यहाँ ज़िंदगी कैसी बनेगी, कैसे जियो। यहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी मिलता है, फ्री खाना, फ्री रहना, ट्रेनिंग भी दे रही है व्हीलचेयर से बराबर बेड तक, फिर ट्रीटमेंट भी मिल रहा है और ज़ख्म भी ठीक हो जाता है। यहाँ बहुत अच्छा है, मैंने आज तक कभी नहीं देखा है ना एडमिट, ये जब किसी को बेड सोर होता है कश्मीर में एडमिट नहीं रखते हैं, चलो घर वहाँ ही ड्रेसिंग करो तो वहाँ मरते हैं लोग कश्मीर में, मुझे कश्मीर की पता है। आपने 28 साल में अपनी बहन के साथ घूमते हुए बहुत सारे लोगों को मिले होंगे, बहुत लोगों को स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट्स को मरते हुए देखा आपने, है ना, बेड सोर की वजह से, है ना। मेरे सामने मर रहे थे, है ना, बहुत लोग देखे आपने, है ना। बहुत सारी बहनें आपके कश्मीर में इन टच होंगी आपसे, है ना, कश्मीर सोचते होंगे पैसा कितना लगेगा, है ना। तो आपका कितना पैसा लगा यहाँ पे? कुछ नहीं। कुछ तो लगा हुआ है? कुछ नहीं। झूठ बोल रहे हो ना कैमरे को देखते? नहीं नहीं, फ्री खाना भी मिला, फ्री मेडिसिन भी मिला, फ्री कमरा भी मिला, सब कुछ। मैं घूम के आई हूँ, मैं सरपंच दीदी का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, सरपंच भैया का भी, उनको मैं नाम ले रही हूँ, पूरा चला उसको भी काम था, यहाँ चल रहा है काम। आपको लगा परिवार से बाहर हो? नहीं, परिवार जैसे नहीं, लगा? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगा, मैं बहुत दुखी हूँ मैं कि मुझे घर जाना है, यहाँ मेरी बहनें हैं, भाई है, डॉक्टर दीदियाँ हैं, कुछ फील नहीं हुआ है घर का, ये मेरा परिवार था। शुक्र शुक्र, एक्चुअली ये खुद बहुत अच्छे हैं इसलिए इनको सारी दुनिया अच्छी लगती है ना। लास्ट में ये कहना चाहती हूँ, ये चंडीगढ़ वालों को यहाँ इकट्ठे काम करते हैं तो हमें को अल्लाह का खौफ होता है, आपको भी ये हाँ। मैं लास्ट में ये कहना चाहती हूँ, ना दुनिया से, ना दौलत से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बहुत बेहतरीन शब्द हैं। इस बहन ने इतने सुंदर सब शब्दों से नवाजा, तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, है ना। तुसी लोग किवें मदद कर सकते हो, आप लोग सारे कैसे मदद कर सकते हो? ऑनलाइन ज़रूर वीडियोज़ को शेयर करो, कश्मीर में बहुत सारी बहनों के पास, भाइयों के पास पहुंच रहा है, आप वीडियो ज़रूर पहुँचाओ आगे, है ना, बहुत सारे पेशेंट्स को ज़रूरत है। सो सारे वीरों भैनों बेनतियाँ रहनी है, वीडियो ज़रूर शेयर कराया करो ना। बेड सोर कैसा है कि और ज़्यादा ख़राब हो चुका है? बेड सोर कैसा है? हाँ, खुश हो ना, शुक्र है, हमसे पीछा छुड़ा के जा रहे हो ना, तंग कर दिया मौका मिले यहाँ आने का जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपका भी हम पे विश्वास करके हमें सेवा का मौका दिया और यहाँ पे आया, है ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका टीम का जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे आप जल्दी ही दोबारा आपसे मिलने आए, रिहैबिलिटेशन के लिए यहाँ जो और फीमेल पेशेंट्स और मेल पेशेंट्स होंगे उनको मोटिवेट करने आए, है ना। हमने ज़िंदगी रोकनी नहीं है, ज़िंदगी बढ़ानी है, ठीक है, ज़िंदगी में नई ऊंचाइयां हासिल की जा सकती हैं। आपने देखा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद ज़िंदगी लोगों ने बढ़ाई हैं, रोकी नहीं है,
है ना। बहुत सारी बहनें मैं जानता हूँ कश्मीर से इन टच हैं, जो कमरे में बंद पड़ी हैं बहुत लंबे टाइम से, है ना, परेशान है। आपके इन टच होंगे, आप जानती हैं वो, है ना, बहुत सारे लोग जानते होंगे आपको। सो उनको बोलना चाहोगे कुछ कि वो घर से बाहर जरूर निकले? हाँ, घर से बाहर मैं उसको ये कहना चाहती हूँ, घर से बाहर निकलो, जरूर निकलो, हिम्मत करो, खासकर यहाँ आओ, इस सेंटर में आओ, बहुत अच्छा यहाँ ट्रीटमेंट भी मिल रहा है, खाना, कोई टेंशन नहीं, फैमिली केयर कर रहे हैं ये लोग, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी खुशी खुशी से घर जा रहे हैं, ये भी बहुत खुश है, ये ठीक हो गए, जवान दीदी इनके साथ है, ये भी अपने फैमिली घर जा रहे हैं अच्छे अच्छे से, ये भी खुश है, हम भी खुश है, आप भी खुश रहो घर में, यहाँ आओ, खुश हो जाओ, यहाँ ठीक हो रहे हैं सब। तो मैं ये कहना चाहती हूँ लास्ट में, शुक्रिया इसका भी, डॉक्टर दीदियों का भी और अपनी दीदियों का भी, इसने मेरी बात मानी, यहाँ आई। अच्छा, इनके मन में घबराहट थी पहले? घबराहट थी, बहुत घबराहट। अच्छा, आपके मन में घबराहट थी, फिर भी आप इनको हौसला दे रहे थे कि जाना हमने यार। देखो, 28 साल तो अपनी बहन की केयर कर रही है, कोई छोटी गल नहीं है। मेंटल कितने ज़्यादा स्ट्रांग रहे, मेंटली कितने ज़्यादा स्ट्रांग रहे, 28 ईयर्स से अपनी भैन को सांभ रही है, जिससे रिश्ते तार तार कर रखे हैं लोगों ने, बहाने मारते हैं पैसे के पिछे, मैटीरियलिज्म के पिछे भजते हुए, माँ बाप लिए टाइम नहीं है। उत्थे एक भैन दूजी भैन को 28 साल तो टाइम दे रही है, सोच के देखियो असी किन्ने बहाने मारते हैं, और काबिले तारीफ लगी शब्द नहीं है कई बार तो ना, ये सानू इंस्पायर करते हैं, है ना, सानू प्रेरित करते हैं कि इंसानी रिश्ते क्या होंगे ने। तो बहुत थैंक यू है, आप लोग आए और हमें भी नहीं, आपने एक दिशा दी है ना, आपका प्यार देख के हमें भी समझने का मौका मिला कि इंसानी रिश्ते कैसे होने चाहिए ना। बहुत शुक्रिया, तुहाडे तो यही उम्मीद करांगे इस पॉजिटिव और अच्छे वीडियो नू शेयर करते हुए पेशेंट की जिंदगी बचाने के लिए डायरेक्टली जरूर सहयोग करे। थैंक यू।